हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 24 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोल्ड ड्रिंक कंपनियों ने खाली प्लास्टिक बोतलों को वापस खरीदना आरंभ कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा पेप्सिको, कोका कोला और बिस्लरी जैसी टॉप कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने अब अपनी प्लास्टिक की बोतलों को ग्राहक से खरीदना आरंभ कर दिया है, और यह चीज़ उन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी के किस देश ने महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा सऊदी अरब ने। सऊदी अरब अब तेजी से सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव की नई फैसियत में महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाना भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के उस मिशन का क्या नाम है जिसे जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इसे 6 अगस्त को फ्लोरिडा प्रांत के कैप केनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जिसे 6 अगस्त को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसमें आंसर आएगा नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के तहत एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए 734 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा वैश्विक मनोरंजन जगत को प्रभावित करने वाले शीर्ष 500 लोगों की सूची जारी की गई है? तो इसमें आंसर आएगा वैरायटी पत्रिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत, चीन, इंडोनेशिया और सिंगापुर समेत एशिया के 10 प्रमुख देशों की कुल जीडीपी किस देश को पीछे छोड़ देगी? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली से चलने वाले कुछ घरेलू उपकरणों समेत कुल 88 वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धावक मोहम्मद अनस याहिया ने चेक गणराज्य में हुए एक इवेंट के कितने मीटर रेस में 45.24 सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतकर दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसमें आंसर आएगा 400 मीटर की रेस जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने किस पूर्व राष्ट्रपति और उनकी बहन फरियाल तालपुर सहित 20 लोगों को पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है? तो इसमें आंसर आएगा आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर सहित 20 लोगों को करीब 35 अरब पाकिस्तानी रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के सलाह पर अपने अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला किया है? तो इसमें आंसर आएगा बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने श्रीमैन नामक नई पॉलिसी शुरू की है जिसका संबंध है? तो इसमें आंसर आएगा इस पॉलिसी का संबंध है सरकारी प्रयोगशाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति पेंगोलिन की तस्करी रोकने के लिए एक स्पेशल अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे विमुक्त, अर्ध खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन है
सरकार द्वारा इनके लिए मुफ्त में घर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, इनके लिए स्पेशल आयोग का गठन किया जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इनके लिए स्पेशल आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 तेल कंपनियों ने पूर्वोत्तर में गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना को लागू करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इनकी कुल लागत कितनी है? तो इसमें आंसर आएगा 6,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने विभिन्न जिलों में शिक्षा सुधार के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 5,485 करोड़ रुपये वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कास्टा का संबंध किस देश से है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका से। कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यह संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाया। यह बिल 115वीं कांग्रेस के दौरान पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2017 की घोषणा की गई है, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें आंसर आएगा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुनील छेत्री को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है सचिन राठी, दीपक पुनिया, उपरोक्त दोनों और मोहित। तो इसमें सचिन राठी और दीपक पुनिया दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए किस संस्थान को कहा है? तो इसमें आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्कूल में जाने वाले बच्चों सहित देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन निम्नलिखित मंत्रालय में से किसके अधीन एक संगठन है? तो इसमें आंसर आएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन। और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूली लड़कियों के लिए चलाई जाने वाली अपनी बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के कुल बजट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली 9वीं और 10वीं कक्षा की लड़कियों को सालाना 5,000-5,000 रुपये और 11वीं और 12वीं कक्षा की लड़कियों को 6,000-6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदर साहनी बनाम भारत सरकार प्रकरण संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। और बिहार सरकार ने एक बार फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई दिल्ली में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में शीर्ष पर था? तो इसमें आंसर आएगा ईरान। और दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान रहा। इस प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान सचिन राठी और दीपक पुनिया ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष युगल खिताब जीता? तो इसमें आंसर आएगा मन्नू अत्री और सुमित रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को जकार्ता में होने वाले 18वें एशियाई खेलों के लिए सेफ डी मिशन यानी CDM नियुक्त किया गया है।
कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस है बाबर आजम, इमाम उल हक, क्विंटन डी कॉक और फकर जमान। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।